दोस्तों, फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी यानी नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस स्टडीज CNES ने इसरो के साथ हाथ मिलाकर काम करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि ये कोलैबोरेशन सिर्फ इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सिर्फ गगनयान के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इसरो गगनयान प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। इस स्पेस स्टेशन के एस्टेब्लिशमेंट में CNES इसरो की मदद करेगा। अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेना ना सिर्फ किसी कंट्री के लिए गौरव की बात है, बल्कि इससे इंडिया अपने ही देश में कई नई टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर पाएगा। कई नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए बहुत से माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसे फिर इसरो स्पेस स्टेशन में किया जा सकेगा। ये जानने से पहले कि स्पेस स्टेशन बनाने में इसरो को फ्रांस से क्या मदद मिलने वाली है, ये जान लेते हैं कि ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। एक ह्यूमन रेटिंग स्पेसक्राफ्ट जैसे गगनयान को लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने और वहां पर अधिक से अधिक 1 हफ्ते तक रहने और फिर वापस आने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट कम समय के लिए स्पेस में रहता है, इसलिए इसमें यूज होने वाली ऑक्सीजन को साथ में लेकर जाया जाता है। इसके विपरीत स्पेस स्टेशन को लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके अलावा किसी स्पेस स्टेशन का हैबिटेबल वॉल्यूम ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से बड़े CO2 रिमूवल सिस्टम, बड़े एयर रेगुलेशन सिस्टम और ज्यादा कैपेसिटी वाले हीट एक्सचेंजर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सबसे अहम बात, इस स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए जब कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ से आएगा तो इसमें डॉकिंग फीचर भी इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे ये स्पेस स्टेशन से अटैच हो सके और एस्ट्रोनॉट्स अंदर आ सके। 2 स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने या स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस प्रक्रिया में एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट को चेस करता है और फिर उसकी स्पीड से सिंक्रोनाइज करके उससे जुड़ जाता है। इसरो 2 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में जोड़ने वाला स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट भी करने वाला है। इस मैकेनिज्म में फ्रांस इसरो की हेल्प करेगा। फ्रांस और यूरोपियन पार्टनर्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग फीचर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल व डेवलप करने में काफी एक्सपीरियंस गेन किया है। अब यही एक्सपीरियंस इसरो को अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करने में भी मदद करेगा, जिससे देश का गौरव और बढ़ जाएगा।